करें स्टार्ट। आज हम कॉन्ग्रुएंस रूल्स में आगे चलेंगे। आई विल पास ऑन टू SSS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ऑल राइट, व्हाट दिस SSS रूल सेज, बोलो। साइड साइड एंड साइड रूल, वही क्लियरली लिखा है SSS। इफ देयर आर टू ट्राइंगल्स, द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन द टू ट्राइंगल्स आर गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट। ऑल राइट, ठीक है। अब देखते हैं, हमारी ट्राइंगल है सपोज ये ए बी सी, और एक और ट्राइंगल है पी क्यू आर, एंड दिस साइड ए बी इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, एंड दिस इज इक्वल टू दिस। बोलो, क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? इफ आई प्लेस दिस ट्राइंगल ऑन दिस, क्या ये फुली कवर अप करेगी? करेगी। अब देखो, मैं ट्राइंगल को रोटेट भी तो कर सकता हूं, मैं ऐसे रोटेट करके यहां ले आता हूं, फुली कवर अप करेगी। अगर इसको लेके चलूं, इसको फुली कवर अप करेगी? करेगी। सो द टू ट्राइंगल्स आर डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट। कौन से रूल से? SSS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। हाँ जी, तो अगर नाम लिखना हो, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू, बोलो भाई, आदित्य रोहिला। देखते हैं। देखो, सबसे पहले आया ए। ए कहां है? वन और थ्री के बीच में। ए कहां है? वन और थ्री के बीच में। और वन और थ्री के बीच में क्या आ रहा है? क्यू। तो ट्राइंगल क्यू, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस लिखनी होती हैं। जो आपका ए आया वन और थ्री के बीच में है, देखो यहां वन है या थ्री है। अब देखो यहां पे ये वन ये थ्री, इनके बीच में क्या है? क्यू। क्यू आया, ठीक है। अब क्यू के बाद नेक्स्ट बोलो बी। अब बी के कॉरेस्पॉन्डिंग देखना है, बी किसके बीच में है? वन एंड टू, वन एंड टू के लिए आर। तीसरे को हम चेक ही नहीं करते, ऑटोमेटिकली होगा। तो नेम लिखते टाइम हमेशा ध्यान देना है, अगर नेमिंग में आपने गलती कर दी, वन मार्क विल बी डिडक्टेड इन द पेपर, सब्जेक्टिव पेपर। हम सिर्फ नेम चेक करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड्स आर करेक्ट और नॉट। तो इसका पूरा ध्यान रखना है आपको व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, राइट। लिखो। हाँ जी बोलो। नो, नॉट एट ऑल। अब दो साइड ही बोली है, मैं उनके बीच के एंगल को चेंज कर देता हूं। अगर बीच के एंगल को बड़ा कर दूंगा, अपोजिट साइड भी बड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब है सच ट्राइंगल्स विल नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ऑल राइट स्पर्श, तो दो नहीं चलेंगी, तीनों ही साइड होंगी, ओनली देन द ट्राइंगल्स आर गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट। क्लियर? यस। लिखो क्वेश्चन। अब एक फिगर बनाएंगे, ये ट्राइंगल है एबीसी, ए बी सी, दिस एंगल इज 100 डिग्री, दिस एंगल इज 35 डिग्री। अब दूसरी ट्राइंगल जो मैंने बनाई, वो ऐसे बनाई, ये है पी क्यू आर, राइट। अब इसमें ए बी साइड पी क्यू के इक्वल है, मार्क कर दिया मैंने। अब बी सी साइड पी आर के इक्वल है, बी सी दिस एंड ए सी इज इक्वल टू दिस। फाइंड एंगल पी,
यू हैव टू फाइंड द एंगल पी. श्रेया बेटा कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? कट रही है आवाज. कौन से सेक्टर में रहते हो? सेक्टर. मैंने श्रेया से पूछा है, श्रेया कौन से सेक्टर में रहते हो? हाँ? नहीं नहीं नहीं, ये रोज की प्रॉब्लम है. ध्यान से. हाँ जी, भेज दिया आंसर. चलिए चेक करें. हाँ जी, हाँ दिस इज करेक्ट. अंकिता ने कल देखा मैंने तो, अश्विन सिंगला करेक्ट. इप्सिता करेक्ट. युगम का गड़बड़ है. जुझार सिंह गड़बड़ है. तनिष्का का ठीक है. तिया ठीक है. आदित्री ठीक है. प्रियल ठीक है. इशिता का ठीक नहीं है. बहुत तेजी से जाते हैं, इतनी तेजी से मैं नहीं देख सकता. आंसर इज 45 डिग्री. अब कई स्टूडेंट्स का आंसर गलत हो गया. ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, मैंने ही लिखवाया था लेक्चर में. मैंने कहा था देखते हैं कौन कौन कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस देखता है, कौन कौन कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस नहीं देखता. जो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस देखेगा उसका आंसर कभी गलत नहीं होगा. चेक करें कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस. भाई तीन साइड, तीन साइड्स, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू विस ट्राइंगल. ए ए कहा है? वन और थ्री के बीच में. वन और थ्री के बीच में क्या है? क्यू. क्यू. अब इसके आगे चले बी. वन एंड टू, और वन एंड टू के बीच में क्या है? पी. क्यू पी आर. अब मैंने पूछा एंगल पी. एंगल पी सेकेंड नंबर पे है. एंगल पी इसके सेकेंड पे क्या है? बी. विल बी इक्वल टू एंगल बी. एंगल पी किसके बराबर होगा? यहां सेकेंड पे है पी, यहां सेकेंड पे है बी. बी के बराबर है. बी एंगल निकालो. बी एंगल ये 100, ये 35, बोलो 45. ठीक है, तो बी 45 है, तो एंगल पी इज 45. तो जिनका गलत हुआ उनका एक ही रीजन से गलत हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस नहीं देखे. तो बी केयरफुल, जब भी आप कॉन्ग्रुएंस रूल लगाओगे कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस जरूर देखने हैं, नहीं तो आसान से आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा. प्लीज नोट. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. इन द गिवन फिगर, इसको पहले मिटाओ. In the given figure, triangle ABC is such that AB equal to AC, AB equal to AC, O is any point in the interior of triangle ABC. O is any point in the interior of triangle ABC such that OB equal to OC. OB equal to OC. Show that triangle AOB is congruent to triangle AOC. Figure bana de. ये ट्राइंगल है एबीसी, ए बी सी. ऑल राइट, अब इसके इंटीरियर में एक पॉइंट है. दिस पॉइंट इज इन द इंटीरियर. इस पॉइंट का नाम है ओ. ओ बी इक्वल टू ओ सी. ओ बी और ओ सी क्या है? इक्वल. यू हैव टू प्रूव ट्राइंगल ए ओ बी
ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ सी। हाँ जी, क्वेश्चन ऑन द बोर्ड सारा कुछ लिखा हुआ है। इनफैक्ट ए बी इक्वल टू ए सी भी है, ये भी मार्क कर दूं, ए बी इक्वल टू ए सी। यस गुड, यस कंप्लीटेड। नादिश यहां आके तो फटाफट करने लगा, गुड वन। वहां तो मेरे को यही होता था, अब नादिश को ढूंढो। अभी जैसे मैं ढूंढ रहा हूं उसको, कहां है वो श्रेया? हैं? ऑल राइट, यस। राघव कपूर नहीं है। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट से बात करेंगे। तन्मय, तन्मय कर लिया बेटा? कंप्लीटेड? इसमें क्या हो गया, इतना छोटा क्वेश्चन? तन्मय तो चुटकी बजा के कर सकती है। चलो जल्दी करो। हाँ जी, हरिहर फुरान, गुड, यस यस। कितने कितने कर लिया यहाँ पे? ऑलमोस्ट एवरीबॉडी। धृति कर दो। अरे देखो, सब कुछ तो बता दिया, और क्या चाहिए? दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं बाय विच रूल? देखो, इन ट्राइंगल एओबी एंड इन ट्राइंगल एओसी, दोनों ट्राइंगल बोर्ड पे देखो इधर नेहा, अब ओबी इक्वल टू ओसी, ये तो गिवन है क्वेश्चन में, ये भी गिवन है, एबी इक्वल टू एसी। अब थर्ड साइड कौन सी है बोलो? एओ। एओ तो दोनों ही ट्राइंगल में आ रही है, ये तो आई कॉमन, एओ इक्वल टू एओ, तो तीनों ही साइड जब इक्वल हो गई तो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस 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 रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस। किसी को इसमें कोई डाउट है? नेक्स्ट लिखो, ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। करो, हाँ जी, नीचे आपने रिपोर्ट कर दिया है उसको, फोन हो रहे हैं दोनों के। मेरे को रिपोर्ट चाहिए अभी। डायग्राम खुद बनाओ। कंप्लीटेड, गुड। एक सर्कल बनाओ बेटा, कॉर्ड्स तो बाद में बनाओगे ना, सर्कल बनाओ पहले। मैं ये भी बात करूंगा। हाँ जी, हरी आप, किसने किसने कर लिया यहां पे? यू कंप्लीटेड इट? गड़बड़ हो गया? वन टू बस, क्या बात है, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, कंप्लीटेड। हरी आप, हाँ जी,
देखो अब जैसा ये क्वेश्चन है, डायग्राम नहीं दिया हुआ, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में डायग्राम दिया हो, अगर नहीं दिया तो डायग्राम बना लेते हैं। ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इसका मतलब है देर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ सर्कल, ठीक है। अब सर्कल है तो उसका कुछ सेंटर भी होगा, विद सेंटर ओ, सेंटर का नेम दिया हुआ है। अब इस सर्कल की दो कॉर्ड्स हैं और दोनों क्या हैं, लेंथ में इक्वल। अब जैसे मैंने एक कॉर्ड ये ली, ये आई ए बी, दूसरी कॉर्ड जो लेनी है मेरे को उसकी भी लेंथ यही लेनी है सी डी, मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। यहां तक किसका किसका ठीक है, कोई सर्कल बनाया इक्वल कॉर्ड्स बना ली, हाँ जी। अब देखें वो कहता है प्रूव दैट एंगल एओबी, अब एओबी बना ले, ए को ओ से ज्वाइन करो और ओ को बी से ज्वाइन करो, ये बना एंगल एओबी, एंगल एओबी इक्वल टू एंगल सीओडी, सी को ज्वाइन करो ओ से और ओ को डी से, इस एंगल के इक्वल। वी आर इंटरेस्टेड इन प्रूविंग दिस टू एंगल्स टू बी इक्वल। देखो अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, क्या ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो अगर मैंने इन दोनों एंगल्स की इक्वालिटी करनी है तो मेरे को इन दो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंस करनी है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ओ ए ओ सी के बराबर होगा? क्यों? रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल तो वही है, रेडियस सेम है भाई, रेडियस है ये भी और ये भी रेडियस, बोथ आर रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा ओबी और ओडी क्या इक्वल होंगे? ये भी इक्वल होंगे, क्यों? बोथ आर रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखो फर्स्ट फर्स्ट, सेकेंड सेकेंड, थर्ड थर्ड, All the three sides of this are equal to three sides of this. बोलो triangles congruent. But congruence लिखते time आपके जो vertices हैं वो आपने corresponding vertices जरूर show करने हैं, उसमें गलती नहीं हो सकती। चलो मैं पहले का नाम देता हूं A B O. ट्राइंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, आप बताएंगे बोलो। अब ए ए आया वन और टू के बीच में, वन और टू के बीच में आया सी, ट्राइंगल सी। अब इसके बाद क्या आया बी, बी कहां आया ये वन और थ्री के बीच में, वन और थ्री के बीच में डी सी डी, ठीक है। और अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुई तो क्या होगा, एंगल्स आर इक्वल। अब क्यों ये एंगल्स इक्वल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कौन कौन से, एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल सीओडी, और यहां ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, क्या लिखोगे सीपीसीटी। इज इट ओके, एनी डाउट अबाउट इट, क्लियर? चलिए हाँ बोलो इश्मित, बोलो हाँ बोलो 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 शाबाश। सारे रेडियस है, सारे इक्वल है, बट हमारे को तो कॉरेस्पॉन्डिंग शो करने दे दिए, मैंने कर दिए, एब्सोल्युटली राइट। हाँ जी, हाउ कैन वी डिफाइन अ कॉर्ड, बिल्कुल ठीक बात है। ये सर्कल है, सर्कल समझते हो, सर्कल पे अगर आप कोई भी दो पॉइंट्स ले लो उसको इस लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करेंगे, इसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ठीक है। मतलब लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, कोई भी दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखें,
नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलीज ट्राइंगल्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द सेम बेस. Opposite sides of the same base. Prove that AD bisects angle at A. Prove that AD bisects angle at A. करो, अब फिगर खुद बनानी है. फिगर करेक्ट होनी चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कि तुम हम सबकी फिगर चेक करो, अपनी अपनी फिगर बनाओ. हाँ जी बोलो. स्टार्टिंग, ऑल राइट, मैं बोर्ड पे ही लिख दूं, दैट्स मच बेटर. एबीसी एंड डीबीसी are two isosceles triangles on the opposite side of the same base. Prove that AD bisects angle at A. Prove that AD bisects angle at A. हाँ जी प्रियल, बोर्ड पे लिख दिया है हमने, चेक इट आउट. नाम बोलो अपना. आदित्य इज डूइंग वेरी वेल, कर दो. फिगर सबकी बन गई ठीक? हाँ जी गीतू मैम, फिगर सबकी ठीक है? फिगर करो कंप्लीट. एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलीज ट्राइंगल ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेम बेस. देखो दे आर आइसोसेलीज ट्राइंगल on the opposite side of the same base. अच्छा एक बात बताओ, same base कौन सा है? BC इसमें भी आ रहा है, BC इसमें भी आ रहा है. तो same base आपका हुआ BC. अब what he says, ABC and DBC are two isosceles triangles on the opposite side of the same base. अब एक अगर मैंने आइसोसेलीज ट्राइंगल यहां बनाई, क्या यहीं पे बना लूं दूसरी भी? बोलो. नो, इट्स क्लियरली रिटन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेम बेस. बीसी के अपोजिट साइड में बनानी है, तो सेकंड इज लाइक दिस. क्योंकि आइसोसेलीज ट्राइंगल है, हो सकता है इस आइसोसेलीज ट्राइंगल की साइड छोटी हो, उसकी बड़ी हो. मैंने ये ले लिया डी. तो दिस इज गिवन ए बी इक्वल टू ए सी, दिस इज गिवन डी बी इक्वल टू डी सी, बिकॉज बोथ द ट्राइंगल्स आर आइसोसेलीस. यहां तक सबका ठीक है? yes, बस तो डायग्राम बन गया, कर देते हैं.
प्रूव दैट AD बाइसेक्स बी एंगल एट ए। अब हमने क्या प्रूव करना है, AD किस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल एट ए। बाइसेक्ट का मतलब है दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। तो ये प्रूव करना है हमको, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, ठीक लिखा है सबने, टू प्रूव, बोलो, एंगल बैड इज इक्वल टू एंगल कैट। अच्छा बैड वर्ड तो सबको पता है, इज ए कॉमन वर्ड, कैट बता दो क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइंस, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग एट IIT, IIT बॉम्बे में है, कंप्यूटर एडेड डिजाइंस, ये मैकेनिकल से जुड़ेगा, ठीक है, तो दूसरा वर्ड आ गया कैट, ठीक है, तो कर दो फिर कंप्लीट, कंप्लीट इट, इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है, कंप्लीट इट। हमने ये दो एंगल्स इक्वल करनी है, अगर ये ट्राइंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट हो गई CPCD, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, बोलो किसके किसके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, रेज योर हैंड्स, बाकियों की नहीं हो रही, देखते हैं प्लीज, देखो प्लीज जस्ट अटेंड टुवर्ड द बोर्ड, देखो ये एंगल, अब ये एंगल किस ट्राइंगल में है, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल, ये वाला एंगल किस में है, ACD, इन ट्राइंगल ACD, दीज आर द टू ट्राइंगल्स। अब बड़ी सीधी सी बात है, उसने खुद ही कहा हुआ है AB इक्वल टू AC, लिख लो और क्या लिख लो, BD इज इक्वल टू CD, ये भी लिख लिया। अच्छा तीसरी साइड नहीं मिल रही, ABD की थर्ड साइड क्या है, AD, और ये तो कॉमन है, ACD की भी तो यही है, तो AD इक्वल टू AD कॉमन, बोलो ट्राइंगल्स कैसी हो गई, कॉन्ग्रुएंट, और अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, क्या आया, CPCD, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। हाँ जी, इज इट डिफिकल्ट, हाँ जी बोलो, AB इक्वल टू BC, देखो एक हमने कॉमन बेस लिया ना, जब हम बेस वर्ड यूज करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि आइसोसेलीस ट्राइंगल में वी आर, ये है बेस, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टू साइड्स, इसमें बेस वर्ड यूज हुआ, बेस क्या है, ये है, तो आइसोसेलीस जब लेंगे तो इन दो साइड्स को इक्वल लेते हैं, ये अंडरस्टूड होता है, राइट, एनीथिंग एल्स, यस, हाँ बोलो, कौन से रूल से, ए कहाँ है, कौन सा एंगल इक्वल किया आपने, ओके बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ट्राइंगल आइसोसेलीस है, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, तो दिस होल एंगल इज इक्वल टू दिस एंड बाय SAS रूल अगेन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, गुड वर्क, कर सकते हैं, राइट right?